थे फ्रेंड्स. सो फाइनली दीज आर टू प्रोडक्ट्स जो मैंने बाई किए रिदा जैन से फर्स्ट टाइम. और इनकी पैकेजिंग और इनके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, इनकी लैशेस, लिप कलर्स और इनके आई पैलेट्स, ब्लेंडर्स बहुत ज़्यादा. और मैंने ये ऑफ में पिक किए थे 2 लिप कलर्स और इनकी पैकेजिंग सेम होलोग्राफिक टाइप मुझे कुछ लगी जैसी सारा अली की प्रोडक्ट्स की है, लेकिन इनकी पैकेजिंग बॉक्स कुछ इस तरह का है. ठीक है, अंदर फुल रॉयल किस्म का इन्होंने अंदर लिप कलर्स जो हैं बहुत ही मज़े के. और फर्स्ट लुक में ऐसे ही लगता है कि बुलेट लिपस्टिक्स हैं, बट नॉट, इट्स अ लिक्विड लिपस्टिक्स, मैट लिक्विड लिपस्टिक्स. और आपके साथ नंबर शो कर देते हैं, ये है पोलर ब्राउन. ठीक है, और सेकंड वन इज, दिस वन इज है हमारे पास वेनिसिया यूविनसिया. आई होप सो के प्लीज़ मिस्टेक मत निकालिएगा कलर को नाम, मैंने इसलिए आपको क्लोज कर देती हूँ कि आप लोग चेक कर लें. और मेन ऊपर उनका लोगो है, गोल्ड ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है और अंदर से लुक उन्होंने इस तरह की हुई जैसे बुलेट लिपस्टिक हम ओपन करें, तो वो पूरी शेप उन्होंने वैसी दी हुई है. और इसका ये देखें वॉन्ड कुछ इस स्टाइल का है और बहुत ही लाइट वेट. मैं ये अप्लाई कर चुकी हूँ, पहले ट्राई की थी मैंने, बहुत लाइट वेट, कोई क्रैकी नहीं है. ठीक है, और आपके लिप्स पे बहुत एक लेयरिंग टाइप फील नहीं होता है कि आपने कोई चीज़ एक्स्ट्रा लगाई हुई है, अच्छे से स्टे करती है आपके लिप्स पे. बोथ शेड्स आर bomb.com. ठीक है, और रिदा जैन की प्रोडक्ट्स सारे ब्लॉगर्स की मैं देखती होती थी, मुझे बहुत पसंद आती थी और मुझे होता था कि किसी टाइम मैं सारी की सारी बाय करूं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चांस स्टार्ट हो गया मेरा इन 2 प्रोडक्ट्स से. आई होप कि आपको थोड़ा सा विजिबल हो, एक थोड़ा सा बहुत एक्सट्रीम ब्राउन लुक में नहीं है. ये देखें दोनों शेड्स आई होप विजिबल होंगे आपके साथ, अब बहुत ही खूबसूरत शेड्स. और इनकी स्मेल भी फाइन गुड, मतलब बहुत एक्स्ट्रा आपको नहीं लगती कि जी भैया आपके अजीब सी सेंटेड टाइप हो, इस तरह की कुछ नहीं है. मैं इस पर एक्सपायरी भी चेक कर लूँ, अगर मुझे इस तरह की विजिबल होती है तो मैं आपको वो भी शो कर देती हूँ, आई होप सो. और अगर ना भी हो तो ये आपके पास नीचे बॉक्स होता है, आप उस पर चेक कर सकते हैं. इस पर हमारे पास 24 मंथ्स हैं, 24 मंथ्स के बाद सम टाइम अगर लिक्विड लिपस्टिक का गाइज इशू हो तो उसकी स्मेल से भी अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अब यूज़ के लिए नहीं रही है, उसको आप फारिग कर दें. ठीक है, और पैकेजिंग सब कुछ बता दिया, बस ये 2 प्रोडक्ट्स थे आपके साथ शेयर करना इसलिए चाह रही थी कि ये वो शेड्स हैं जो हम ऑल टाइम यूज़ कर सकते हैं. और ये सबके पास मेरा तो ख्याल होना बहुत ज़रूरी है. और इनको आप मिक्स अप करके भी मैंने यूज़ करके देखा है, बहुत मज़े का शेड बनता है और बहुत फेवरेट है मेरे. मैं इनके और शेड मस्त लूँगी और आपका इंस्टा पे भी इनकी पोस्ट शेयर करूँगी. अगर आपने इनका भी पेज लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया हुआ, प्लीज़ इनका पेज ज़रूर चेक करें, मेरी रिकमेंड. और मुझे भी कर लें सब्सक्राइब, पेज वीडियो को कर दीजिएगा लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा. और बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा शेड सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़.